हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस, आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं थोड़ा सा स्किन वॉशिंग करा देते हैं, फेस वॉश। मुँह नहीं धोती है बिल्कुल भी, है तो इसका फेस वॉश कराना ज़रूरी है, तो वही कराने जा रहे हैं। अरे आगे देखो क्या होता है ब्लॉग में, तो चल रहे हैं गाइस, उधर से दिखाते हैं आपको फेस वॉश। देखते हैं ब्लॉग आज का, और आज मैंने माइक नहीं लगा पाया तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि यार मैं सोचा मैंने यहीं पास में जाना था ना थोड़ा, तो मैंने सोचा यार अब इसके लिए इतने जल्दी ब्लॉग कहाँ से माइक ढूंढूँ, कहाँ से लगाऊँ, तो इसलिए मैंने वो माइक नहीं लगाया। तो आपको जो क्वालिटी वो ऐसे ही मिलेगी नॉर्मल, तो एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। बाकी चलते इधर से, यार कुछ केले वेले लेने थे मुझे भी, क्या बताएं। चलो चलते हैं, अपन पहले लेते हैं गाइस। बहुत दिन हो गए मतलब कहीं गए नहीं, पकड़ा जगह पे तो जाना पड़ेगा। और आप लोग भी सजेस्ट करते रहा करो यार कि भाई इधर जा उधर जा, ऐसे ऐसे क्या करते हो तुम लोग, ब्लॉग देखते हो बट तो बताते बताते हो नहीं, ब्लॉग ही देखते रहते हो। और तो ब्लॉग मत देखो यार, बोलो भी कुछ, बताओ भी, तो मैं फिर बनाऊं भाई उसके हिसाब से। तुम लोग बताते ही नहीं है भाई कुछ, तो फिर यार पता नहीं है मैंने, तो इसलिए बताओ कमेंट में, यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ, तब उसके हिसाब से मैं बनाता हूँ। और अभी खाली इसका फेस वॉश करवा देते हैं हम। और हाँ गाइस, हमारी जो एक कॉमेडी वीडियो आने वाली थी अलादीन के ऊपर, हमने कल पूरा दिन हमने उसके ऊपर वर्क भी करा था, सुबह से लेके हमें शाम हो गई थी, पूरे दिन हमने बनाई, पूरा सब कुछ करा उसको, उसका थंबनेल भी हम मैंने डाल दिया था ऑलरेडी, सब कुछ कर दिया। फिर बाद में मैं आशीष वाशीष सब लोग उसको एडिट कर रहे थे, जब तब उनने वो वीडियो देखी थी, तब वो लोग कह रहे भाई कि वीडियो ही नहीं है अच्छी, मतलब उन लोगों ने बोला यार फनी नहीं है, जिस टाइप की हमें बनानी थी वैसी नहीं आनी, तो यार बताओ यार बहुत ज़्यादा ही वो हो रही है दिक्कत यार, बताओ। पूरी वीडियो हमने पूरे दिन उसमें लगाया, खर्च किया, और अब जाके वो बोल रहा है कि वीडियो ख़राब है, तब दोबारा बनानी पड़ेगी, तो यही मसला है इसमें। बाकी कोई बात नहीं गाइस, हम उस वीडियो को दोबारा शूट करेंगे और आपके लिए बनाएंगे, बट अब की बार मेरा तो मन नहीं कर रहा उसी वीडियो को बनाने का, किसी और बनाते, बट यार मेहनत भी हमने उसमें ही कर ली है इतनी ज़्यादा, मतलब हमें स्क्रिप्ट वगैरह सारा कुछ पता है उसका। और सेकंड चीज़ क्या है कि हमने उसका थंबनेल बना लिया ना, थंबनेल बनाने में अब गाइस आजकल बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आप लोगों को चाहिए भाई 3D थंबनेल, मतलब तगड़ी थंबनेल चाहिए आप लोगों को, नॉर्मल थंबनेल आप लोग देखोगे नहीं, तो मतलब नॉर्मल थंबनेल से वो नहीं बनता ना इंप्रेशन, इसलिए तो थोड़ा मैंने सोचा यार तगड़ी बनाने के लिए भाई फिर यही चीज़ है, तो इसलिए अब पहले इसके घर में जाते हैं और इससे पूछते हैं कि फेस वॉश क्या हो पाएगा हमारा। तो गाइस, इसके जान पहचान का ये वो बंदा जो हमारा फेस वॉश कराएगा, तो उसके घर में मैं जा रहा हूँ पहले, और क्या सीन होता है फेस वॉश का।
आया था वैसा हुआ नहीं यार। मैंने सोचा था इधर ही ब्लॉग बना लेंगे और इधर ही गाड़ी भी धो लेंगे, बट ब्लॉग तो बन गया। खैर क्या गाड़ी नहीं धुल पाई यार, अब कुछ नहीं कर सकते, अब चलते हैं अपने अपने घर। और अब मेरे को जब ही आना पड़ेगा शायद से 3-4 बजे समथिंग, 2 के पास 2 बजे के आसपास आना पड़ेगा, जब जाके वो बंदा मुझे मिलेगा भैया, मतलब मेरा ही भाई है आशीष, महेंद्र नाम है उसका, मामा का लड़का लगता है। तो जब वो नहीं आया भाई तो उससे पूछ के ही मैं फिर, हो सकता था वो ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। और मैं जानता नहीं भाई उनको जो बंदे ये गाड़ी वगैरह दिलवाते हैं, मतलब जानने की बात तो नहीं है, मैं तो बोल दूँगा उनसे भाई कि मेरे को गाड़ी धोना है सर, बट कोई था भी नहीं वहाँ पर ताला लगा है तो किससे पूछूँ भाई क्या मेरी गाड़ी धो है सर। छोड़ो भाई चलते हैं अपने घर, और क्या क्या ही करें, जैसा सोचा था वैसा तो हुआ नहीं, सारा प्लान उल्टा हो गया। तो अब कुछ नहीं कर सकते, अपने घर चलेंगे अपन और मस्त मज़े लेंगे। और बच गया गाइस, सच्चे में गाइस मैंने ये वाला जो था ब्रेकर वो मैंने देखा ही नहीं। ओ शिट गाइस, कितने बड़े बड़े ब्रेकर हैं आपको बताओ, देखने मतलब मुझे पता भी नहीं चल रही है कि ब्रेकर हैं यहाँ पर, ऐसे ऐसे ब्रेकर लगा। ब्रेकर बड़े खराब, बट कोई नहीं अपन तो, अरे यार एक और ब्रेकर यार, ब्रेकरों की तो हद है यार इस सेक्टर में भाई, ब्रेकर ही ब्रेकर। बताओ यार एक बात बताओ, कोई बंदा सेक्टर में क्या 20-30 से आगे चला लेगा, कोई नहीं चला सकता क्योंकि यार सेक्टर है भाई, वो हर जगह उसमें मोड है, इधर मोड़ेगा तो मोड़ है, उधर मोड़ेगा तब मोड़ है, सामने इधर से इधर जाएगा तब भी मोड़ है, तो वो बंदा भाई कैसे चलाएगा 30-40 स्पीड में जो तुमको हर ब्रेकर ही ब्रेक लगा रखे, मतलब कैसे कैसे लोग हैं। और भाई यहाँ के सारे गेट बंद हैं, मतलब A to Z, जो मेन गेट है मेन गेट खुला छोड़ के जो पीछे से बंदे आते हैं साइड से, कहीं से भी बंदा कोई नहीं जा सकता, गेट ही भाई पूरे बंद कर रखे हैं भाई, पता नहीं क्या बना रखा है गेट का यार इतना ज़्यादा। इसके अंदर जाना चाहता हूँ क्या, जाऊँ या नहीं जाऊँ, चलो चलते हैं लस्सी लेते हैं और मज़े लेते हैं। चल वॉइस, और वॉइस बता देना गाइस कैसी आ रही है अपन की, आपको वॉइस का कोई अंदाज़ा नहीं है। लस्सी वस्सी लेते हैं अपन और पी पा के निकल लेते हैं और आज का व्लॉग एंड कर देते हैं, क्योंकि अब क्या करें गाइस बताओ, जो जो करवाने आया था वो हुआ नहीं, तो अब अपने हिसाब से ही बना देते हैं और क्या करें। और बहुत दिनों बाद में इधर घुस रहा हूँ गाड़ी लेके, तो अलग ही लग रहा है क्योंकि मैं आता नहीं हूँ बेसिकली इस प्रतीक के अंदर, पसंद ही नहीं है और कुछ काम भी नहीं रहता है। अपने लस्सी पस्सी ले ली, अब चलते हैं यहाँ से, और क्या नाम उसका, तो लस्सी ले लिए अपन ने, अब वो दिखाऊं या नहीं दिखाऊं ये तो नहीं पता, रोड है क्या जाने का रहेगा, बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ गाइस, तो यहाँ पर सारे रोड बदले बदले लग रहे हैं, अलग अलग आता ही नहीं मैं, 23 रुपये की 20 में ले आया, अब वो बंदा बोला 3 रुपये दो, अब भाई मुझे खुद नहीं पता कि 23 वाली है क्या, अरे 20 की मिलती यार ये लोग पता नहीं 3-4, बताओ गाइस 20 रुपये की लस्सी पे 3 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हैं लोग, 20 रुपये की आती है, और जो छोटी बोतल में लो अपन वो 15 की आती है, तो उस पर ये लोग 18-17 रुपये लेंगे, मतलब यार चूतिया बना रखा है बंदों का, अच्छा खासा चूतिया बना रखा है, पता नहीं क्यों ऐसे ना करना चाहिए वैसे यार, क्योंकि कहाँ जा रहा भाई, ए बढ़िया बढ़िया
बताओ 20-20 रुपए की लस्सियाँ दे रहे हैं, ऐसे क्या कर रहे हैं लोग यार, सही है ये वाला मामला यार, सब लूट रहे हो तुम 3-3 रुपए एक एक पीस वाली लस्सी पे यार। ये तो खुद ही आया ऐसे, जैसे किसी कुछ हो जाए घर में फिर यार उससे पूछने में भी बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि यार मुझे ये लगता है मन में यार कि वो क्या सोचेगा मेरे बारे में फिर, ये इसीलिए। ओ भाई इतनी भीड़ कैसे है आज, आज इतनी भीड़ क्यों है, ऐसा क्या है आज है? ऐसा क्या हो गया, आई डोंट नो गाइस इतनी भीड़ क्यों है आज, सबसे ज़्यादा भीड़ है आज। आज मैंने मतलब बहुत दिनों बाद ऐसी भीड़ देखी इधर यार, फ्राइडे होता है कुछ तो होती भी है, मतलब फ्राइडे को क्या होता है बेसिकली के मस्जिद पर जाते हैं लोग, क्या कहते हैं उसको, नमाज वगैरह पढ़ते हैं। अब भाई देखो उतना मुझे पता नहीं है, अगर कोई मुस्लिम दिख रहा है तो बुरा मत मानना भाई, क्योंकि भाई मुझे नॉलेज नहीं है इसके बारे में इतना, तो इसलिए यार उस दिन तो भीड़ होती है क्योंकि यार रोड बंद हो जाते हैं ना, क्योंकि मस्जिद के रोड खुले होते हैं खाली और बाकी रोड बंद होते हैं। बट आज तो थर्सडे, आज तो ऐसा नहीं था, तो पता नहीं क्यों ऐसा, पता नहीं गाइस इन लोगों का मुझे कुछ पता नहीं है, समझ में आता लफड़ा तो होगा कुछ उनके हिसाब का, देखो क्या होगा, मैं क्या ही बताऊँ क्या होगा, तो छोड़ो अपन को क्या लेना उससे, खैर अपन अपने काम से उतर रखते हैं। और हाँ गाइस तुम्हारे भाई ड्राइविंग भी सीख रहा है कार ड्राइविंग, कुछ दिनों में गाइस कार ब्लॉग्स भी आएंगे अपन के लिए, तो और मैं कोशिश करूँगा कि जो मैं सीख रहा हूँ कार वो ही आपको दिखाऊँ मैं कैसे सीख रहा हूँ, कैसे वो बता दूँगा मैं तुम्हें कैसे सीख रहा हूँ मैं, तो देखते रहना ब्लॉग्स आगे और क्या। और कोशिंदर टम्पू तो चलो गाइस ठीक है।